बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मिस फामीर, लेक्चर बॉटनी फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खानीवाल। टुडे वी विल डिस्कस अब फोटो पीरियडिज्म। वट इज़ फोटो पीरियडिज्म? द बायोलॉजिकल मेजरमेंट ऑफ द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, दिस इज टर्म्ड एज फोटो पीरियडिज्म। फोटो मीन्स लाइट, पीरियडिज्म मीन्स पीरियड ऑफ लाइट। Photoperiodism, the response by an organism to synchronize its body with changes in day length. Day length के साथ वो उसको किस तरह से synchronize कर रहे हैं? At high latitudes, this is important because the change in length of the day indicates the season. Latitudes की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए ये बहुत important है. Days getting shorter indicate winter is approaching. डेज गेटिंग लॉन्गर इंडिकेट समर इज अप्रोचिंग। दिन बड़े हो जाएंगे तो हमें पता चल जाता है कि गर्मियाँ आ रही हैं, छोटे हो जाएं तो पता चल जाता है कि सर्दियाँ आ रही हैं। सम प्लांट्स रेगुलेट देयर फ्लावरिंग दिस वे। इस तरह से प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी फ्लावरिंग को रेगुलेट करते हैं। द कंट्रोल ऑफ फ्लावरिंग, चेंज इन डे लेंथ, फोटो पीरियड मैकेनिज्म इन द लीव्स, फ्लोरिजन हार्मोन, फ्लावर बर्ड्स एंड देन फ्लावरिंग। दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोल ऑफ फ्लावरिंग। रिस्पॉन्स टू डे लेंथ, रिस्पॉन्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द प्लांट एंड वेरीज इट्स इन इट्स इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के लिहाज से भी ये वेरी करते हैं। Broadly, they can be grouped into three categories: long day plants, इसमें जो day length होती है ये 9 to 16 hours की होती है almost। अगर हम examples की बात करते हैं, red clover 9 hours, 12 hours, winter wheat etc. Next आ जाते हैं short day plants, इनको long night plants भी बोलते हैं। डे लेंथ अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो मतलब 10 to 16, इट्स लाइक दिस। उसके बाद इससे कम होगी, क्राइसेंथेमम टोबैको। उसके बाद डे न्यूट्रल प्लांट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, डू नॉट रिस्पॉन्स टू डे लेंथ, फॉर एग्जांपल कोकम्बर, होली, मेज एट्सेट्रा। सम प्लांट्स फ्लावर ओनली आफ्टर अ क्रिटिकल डे लेंथ। एक क्रिटिकल डे लेंथ के बाद ही कुछ प्लांट्स क्या शो करते हैं, फ्लावरिंग शो करते हैं। सम प्लांट्स ओनली फ्लावर आफ्टर अ क्रिटिकल नाइट लेंथ, और कुछ प्लांट्स एक क्रिटिकल नाइट लेंथ के बाद फ्लावरिंग को शो करते हैं। द नाइट ब्रेक फिनोमिना फॉर प्लांट्स विद अ क्रिटिकल नाइट लेंथ, अ शॉर्ट फ्लैश ऑफ लाइट इन द मिडल ऑफ द नाइट would make the plant behave as if it had been exposed to a long day. अगर हम क्या करते हैं, एक long night plant है, उसको रात के time light दे देते हैं, तो plant क्या feel करेगा कि उसकी जो day length है वो increase हो गई है। The quality of light, the wavelength of the light used is most important. color की अगर हम बात करते हैं, far red light होगी, वेवलेंथ क्या है उसकी 700 नैनोमीटर। शॉर्ट डे स्टिमुलेट्स लॉन्ग डे रिवर्सेस, लॉन्ग डे के अंदर ये रिवर्स कर देगी, शॉर्ट डे के अंदर ये स्टिमुलेट कर देगी। रेड लाइट की अगर हम बात करते हैं, 670 to 680 नैनोमीटर, ये शॉर्ट डे में इनहिबिट करेगी और लॉन्ग डे में स्टिमुलेट करेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग पिगमेंट की बात करते हैं, दिस इंडिकेटेड दैट देयर शुड बी अ पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब्स रेड लाइट। रेड लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए एक पिगमेंट होता है। इन अदर वर्ड्स, दिस पिगमेंट शुड बी ब्लू ग्रीन। दिस पिगमेंट इज द मैकेनिज्म कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग चेंजेस इन डे लेंथ। जितनी भी डे लेंथ के अंदर चेंजेस आ रही हैं ये उसको रिकॉग्नाइज करेगा। फाइटोक्रोम, दैट इज़ फाइटोक्रोम। बेसिकली वो क्या है, फाइटोक्रोम है। द फोटो पीरियड मैकेनिज्म, फाइटोक्रोम एग्जिस्ट इन टू वर्जन्स विच आर इंटरकन्वर्टिबल। इंटरकन्वर्टिबल होते हैं ये वर्जन्स।
पी आर दैट एब्जॉर्ब्स रेड लाइट, फाइटोक्रोम आर जिसको हम पी आर भी बोलते हैं, ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फाइटोक्रोम पी एफ आर, फाइटोक्रोम पी एफ आर की अगर हम बात करते हैं तो ये फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। पी आर रेड लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो ये पी एफ आर में चेंज हो जाएगा, और अगर फार रेड लाइट एब्जॉर्ब करेगा पी एफ आर तो ये रेड पी आर में चेंज हो जाएगा, फाइटोक्रोम रेड में चेंज हो जाएगा। इन द शॉर्ट डे प्लांट पी एफ आर डार्कनेस स्लो, फार रेड लाइट फास्ट, देन वट विल हैपन, पी आर बिल्ड्स अप, पी आर की जो सेंथेसिस है वो स्टार्ट हो जाएगी। शॉर्ट डे प्लांट्स अगर हम बात करते हैं, फ्लोरीजन इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा एंड इट विल शो फ्लावरिंग, और ये क्या शो कर देगा, फ्लावरिंग शो कर देगा। इन द लॉन्ग डे प्लांट अगर हम लोग लॉन्ग डे प्लांट की बात करते हैं, पी आर सनलाइट रेड लाइट, इट विल प्रमोट पी एफ आर बिल्डिंग अप, पी एफ आर बिल्डअप होने लग जाएगा इसके अंदर। लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लोरिजन एक्टिवेटेड एंड इट विल शो फ्लावरिंग, फ्लावरिंग शो कर देगा। समरी अगर हम लोग इसकी डिस्कस करते हैं, दोनों क्या हैं, आपस में इंटर रिलेट कर रहे हैं। पी एफ आर बिल्डअप होगा, किस तरह से बिल्डअप होगा, अगर ये क्या हो जाता है, सनलाइट होती है और रेड लाइट होती है, और पी आर की बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है डार्कनेस एंड फार रेड लाइट। पी एफ आर बिल्डअप करेगा तो लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर फ्लोरिजन एक्टिवेट होगा और फ्लावरिंग होगी, पी आर बिल्डअप करेगा तो शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर फ्लोरिजन एक्टिवेट करेगा और फ्लावरिंग होगी। दिस वॉज ऑल अबाउट फोटोपीरियोडिज्म एंड फाइटोक्रोम्स, होप यू विल अंडरस्टैंड इट, सी यू टुमारो, गुड बाय, गुड लक नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। अगेन देयर इज़ अ रिक्वेस्ट एट द एंड, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद अदर्स। अल्लाह हाफिज़।